भारत में रहने वाले लोगों को कभी डिजिटल इंडिया तो कभी मेक इन इंडिया का सपना दिखाया गया। कभी देश में गुजरात मॉडल भी लाने के लिए कहा गया और कभी तो ये भी निकल के आया कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक 2024 तक पहुंच जाएगा। कभी प्रधानमंत्री द्वारा ये भी कहा गया कि हम 2022 तक एक नया इंडिया बनाएंगे। टीम इंडिया के लिए, 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया के लिए आज हमें संकल्प लेना होगा 2022 तक न्यू इंडिया बनाने का। और ये काम हम खुद करेंगे, कोई करेगा ऐसा नहीं, हम खुद करेंगे, देश के लिए करेंगे, पहले से अच्छा करेंगे, पहले से ज्यादा करेंगे, समर्पण भाव से करेंगे, 2022 में भव्य दिव्य हिंदुस्तान देखने के लिए करेंगे। और इसलिए हम सब मिलकर के एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां गरीब के पास पक्का घर हो, बिजली हो, पानी हो। हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां देश का किसान चिंता में नहीं, चैन से सोएगा। आज वो जितना कमा रहा है उससे 2022 तक 2 गुना कमाएगा। लेकिन इन सब जुमलों से दूर हम आपको आज कुछ आंकड़ों के साथ बताते हैं कि असल में हमारा भारत बाकी दुनिया में किस पायदान पे खड़ा है और हमें जो बड़े सपने दिखाए क्या वो सच हैं या झूठ। पहले बात करते हैं हाल ही में आए कुछ ताजा आंकड़ों की। पहले बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक की। इस इंडेक्स से इस बात का पता चलता है कि कोई देश कितना विकसित है और विकासशील है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक 131 आया है। पिछले साल भारत का रैंक 129 था। रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक में भूटान 129वें स्थान पर, बांग्लादेश 133वें स्थान पर और नेपाल 142 स्थान पर और पाकिस्तान 156वें स्थान पर रहा। अब बात करते हैं दूसरे आंकड़े की जो कि है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, जो कि एक वैश्विक नागरिक आर्थिक और निजी स्वतंत्रता जैसे कारकों की रैंकिंग है। इस रैंकिंग में भारत को 162 देशों में से 111वें पायदान पर रखा गया है। पिछले साल भारत की रैंकिंग 94 थी। इस साल भारत की रैंकिंग 17 नंबर गिरी है। भारत रैंकिंग के मामले में चीन और बांग्लादेश से तो आगे है, लेकिन गौरतलब है कि भारत में कई फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट देखी गई है। इस साल अक्टूबर में फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट ने बताया कि भारत में इंटरनेट की स्वतंत्रता 2019-20 में लगातार तीसरे साल कम हुई है। भारत में दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट पर पाबंदी लगती है। सितंबर में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 79वें पायदान से 105वें पायदान पर ठकेल दिया गया है। देश में जब CAA लाया गया तो लोगों ने इसका काफी विरोध किया। शाहीन बाग में इसके खिलाफ आंदोलन भी हुआ। सरकार में नेताओं ने इसे बदनाम करने की पूरी कोशिश भी की। आपको याद होगा दिल्ली चुनाव में नेताओं के बयान, अगर नहीं तो आप ये बयान दोबारा से सुन लीजिए। अनुराग ठाकुर का वो बयान देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। प्रवेश वर्मा का भी बयान सुन लीजिए, वह शाहीन बाग को लेकर क्या टिप्पणी कर रहे थे। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, एक घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग के अगर आपको एक भी आदमी दे दिया तो मैं भी यही और आप भी। और मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो 11 तारीख के बाद केवल एक महीने का समय मुझे दे देना, मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है एक महीने के अंदर अंदर एक मस्जिद आपको नहीं छोड़ूंगा। का एक तरह चुनाव है, अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, एक घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग के अगर आपको एक भी आदमी दे दिया। हाल ही में किसानों का आंदोलन, इसे किस तरह कभी पाकिस्तान की साजिश तो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर बदनाम करने की कोशिश की गई। और देश के किसान भी मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं, हर जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर किसानों के आंदोलन के आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या मतलब है,
अब बात करते हैं प्रेस की आजादी की। इसमें भी भारत कुछ खास नहीं है। प्रेस की आजादी में भारत का रैंक 142वां है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे या तो देशद्रोही कह दिया जाता है या तो उस पर NSA UAPA लगा दिया जाता है। जो मीडिया सरकार की तारीफ करता रहता है उस पर कोई उंगली तक नहीं उठाता। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विनम्रता के साथ दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे में जाकर अपना सिर झुकाया और इस साल पूरी दुनिया में सिखों के नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी थी और इसी अवसर पर देश के प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे। उन्होंने इस गुरुद्वारे के दर्शन दिल्ली और आसपास चल रहे उस किसान आंदोलन के दौरान किए हैं जिसमें बड़ी संख्या में पंजाब के सिख किसान हिस्सा ले रहे हैं और इनमें खास तौर पर सिख किसानों की जो संख्या है वो भी सबसे ज्यादा है। इसलिए प्रधानमंत्री इन सारे सिख किसानों को भी एक खास संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के मोदी मंत्र का विश्लेषण। भ्रम तोड़ने के लिए पीएम मोदी ने सीधे संवाद का जरिया अपनाया। मोदी बोले MSP ना बंद होगी ना खत्म होगी, ये मैं वादा करता हूँ। शंका दूर करने के लिए संवाद का दिया बड़ा भरोसा। किसानों पर राजनीति करने वालों पर भी आज जोरदार प्रहार किया प्रधानमंत्री ने। पीएम बोले कर्ज माफी के नाम पर धोखाधड़ी हुई है किसानों के साथ। क्या मोदी मंत्र से किसानों का समाधान निकल आएगा? पर देश की जनता अब सब जानती है। अगर हाल ही की बात करें तो किसान आंदोलन को भी देख लें, किस तरह मीडिया का विरोध हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। मीडिया सरकार के नेताओं से सवाल तो नहीं करता और किसान आंदोलन को बदनाम करने की वजह से देश की जनता का भरोसा भी उससे उठ चुका है, जिस वजह से लोगों का गुस्सा आपके सामने है। और जो इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो अगर वास्तविक किसान के अगर मोदी जी के हितैषी है तो मोदी जी की रोटी खाएं और अंबानी की रोटी खाएं। उनको देशद्रोही बोला जाता है इसी मीडिया के माध्यम से उनको नक्सली बोला जाता है। तो बड़ी ही बहुत ही दुख होता है इस चीज को लेकर कि जी न्यूज आर भारत तो कल हमारे जो राष्ट्रीय नेता है टिकैत उनको बुरा भला बोल रहा था और मेरा बोलने का अधिकार है मैडम, मेरा भी बोलने का अधिकार है। और जितने भी जितना भी आप बोलिए, अब मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा इंटरव्यू लीजिए, अब मैं दम है इंटरव्यू लेने का मेरा। ये तो कुछ ताजा आंकड़े थे जिसमें भारत की रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है। देश में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम भले ही कम हो, देश में इसके दामों की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। इसके खिलाफ अगर कोई बोले भी तो उसे बुरा भला कहा जाएगा। अब देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक पहुंचती है या फिर नया भारत बनेगा, ऐसा शायद ही हो हमारे हिसाब से, या फिर हो भी सकता है क्योंकि इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।